अबे ये तुम्हारा बस का नहीं है, बॉस को इन्फॉर्म करो जाओ, 10 मिनट में स्कूल खाली कर देगा। हेलो, 10-15 गुंडे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। हमारे ACP के सर पर बोतल मार के उन्हें जख्मी कर दिया है। ये गुंडे हमारी नहीं सुन रहे। सर सर, कोई जवाब नहीं आ रहा। अरे गॉड को प्रे करेगा तो वो जरूर आता है। He will surely come. You wait. अरे गंगुआ, अरे देख 3 स्टार वाला ऑफिसर आया है रे। उसका तो सिर्फ सर ही फोड़ा था, लगता है तेरा पूरा डिपार्टमेंट तोड़ना पड़ेगा। ये कुत्ता अंदर कैसे आया? पुलिस वाला खुद को मास्टर समझ रहा है, भाग निकलो इसे। साले ने ड्रेस पहना DCP का और हरकत है ट्रैफिक हवलदार की। बट गए साले की, पब्लिक के सामने नहीं पिटना चाहता होगा, दरवाजा बंद कर रहे। चलो सबसे पहले इस पे हाथ कौन धोएगा? दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा। ये ज्ञान देगा, जा ले ले। मुझे डंडे से मारो ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? भूल गया सर। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया? पता है जेम्स बॉन्ड ने। सही जवाब दिया ना अपन। अच्छा हो गब्बर सिंह नहीं बोला। सही बोला ना। अभी मार कर। सही बोलता है। तेरा बाप था क्या जेम्स बॉन्ड? इधर। इंडिया में रॉकेट कहाँ पर बनते हैं? रॉकेट शिवकाशी में। पुलिस वाला और इतना नहीं पता? बस कर ला दे। अरे इधर आओ बेटा, मास्टर जी तुझे बुला रहे हैं। आना, तेरी दाढ़ी बहुत बढ़िया है। लेके आ सर। मैं KG में 6 बार फेल हुआ, आसान सवाल पूछना। KG का सवाल चलेगा? ठीक है, एक पोएम बोलता हूँ। पहले मैं बोलूंगा फिर तू रिपीट करना। Twinkle, twinkle, little star. Oh, star. How I wonder what you are. हाँ, वो भी ठीक है। Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Twinkle, Khanna, superstar. Daughter, Rajesh Khanna. How are you? Mother India. याद नहीं आ रहा। मार लो। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। बताओ, राउडी बनना मुश्किल है या 5वीं क्लास पास करना मुश्किल है? 5वीं क्लास पास करना। जल्दी सीख के। कमाल है सर, ना खिड़की टूटा ना ब्लैक बोर्ड टूटा, ये कैसे किया मेरे को बताओ ना, मेरे को भी करना है। सिंपल है, गुंडागर्दी के स्कूल का मैं हेडमास्टर हूँ। सही कहना राजेंद्र? हाँ सर, मोटे सांडों को डंडा और ज्ञान का अंडा खिला के। चलता हूँ। हाँ, नमस्ते अंकल। ये लीजिए आपका चश्मा। थैंक यू। ये मेरे पिताजी थे, अंग्रेजों के जमाने के इकलौते इंडियन जेलर थे, एकदम कड़क। जय वीरू भी इनकी जेल से भाग नहीं पाए।
लास्ट बर्ड बची थी मो। यही तो मैं भी कह रही हूँ, ये भी लास्ट बर्ड है मुन्ना। अगर ये उड़ गई ना तो कुंडली के हिसाब से अगले 3 साल तक मुन्नी नहीं मिलेगी। प्रोग्राम शुरू करवाऊं? टेक टेक। ये सब क्या है? इस जमाने में कोई अरेंज मैरिज करता है क्या? पहले मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, लव शव करेंगे, फिर बेटा तू 2 साल से टेस्टिंग ही कर रहा है। कॉलेज में जिसे तूने पटाया था वो तुझे डिच्चू देकर फरार हो गई। मुझे ये लड़की सुरीली लग रही है। गाना खत्म होते ही तेरी सुर मिला दूंगी, ओके? लड़के को अकेले में मिलना है? देखिए मुझे रिश्ते के लिए लड़के लड़की का अकेले मिलना जरूरी नहीं। अगर मैंने अप्रूवल दे दिया तो इसकी तरफ से भी ओके है ना मुन्ना? बिल्कुल भी ओके नहीं, मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। कुछ कहो ना, कहते क्यों नहीं? तुम अच्छे दिखते हो। थैंक यू। कितने क्यूट हो, खरगोश की तरह शर्मीले हो। सब यही कहते हैं। तुमने मेरे घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका दिल भी जीत लिया, इसीलिए मुझे भी कुछ कहना है। कैसे कहूँ भैया? भैया मेरा पहले से ही एक चक्कर है। मेरे बाप के बाप तिहाड़ जेल में जेलर थे। उन्होंने टपकने से पहले मेरे बाप से वचन लिया था कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से ही हो और मेरे बच्चे कांस्टेबल बने। और मेरे पागल बापू उसी वचन को पूरा कर रहे हैं। तुम नीचे जाके कह दो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ प्यारे भैया। ये किसकी है? मेरे बापू की। मैं ले लूँ बहना? पंडित झुनझुनवाला ने कहा था इस हफ्ते तेरी शादी हो जाएगी, मुझसे 2 लाख फीस भी ले गया। अब जीते जी अपनी बहू को टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी। मॉम कोई हीरोइन जैसी लड़की ढूंढो ना। मुझसे उम्मीद मत रखना, खुद ही लड़की ढूंढना। ठीक है भैया, एक पैकेट ले लो ना भैया, 5 रुपए का भैया ले लो ना। नहीं चाहिए, ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, स्कूल भेजूंगा तो पढ़ाई करोगे? नहीं भैया मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप एक पैकेट ले लो ना। ये ले ले। पैसा नहीं चाहिए माँ जी, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। ए, भूल गया, हमें किसी से बात नहीं करनी है। मैं नहीं, भैया बात कर रहे। सुनो भैया, मेरे भाई से बात मत करो, अगर उसने देख लिया तो इसे बहुत मारेगा। कौन मारेगा तुम लोगों को? अच्छे से भीख भी मांगना नहीं आता तेरे को? कमीना मुफ्त की रोटियां तोड़ता, तू क्या घूर रहा है? खुद को बहुत बड़ा दानवीर समझता क्या? बड़ा रहम दिखा रहा है तू। चल अब कल्टी मार और इधर नजर नको आना, नहीं तो अच्छे से नट बोल्ट टाइट कर दूंगा। क्या बोला तेरे को? कुछ नहीं बोला। ए! मुझसे पूछ रहा था कि स्कूल क्यों नहीं जाता, मैंने बोला मुझे नहीं जाना। ये तेरी अम्मा का यार है? ऐसा मत बोलो भाई। इतने भिखारियों को पढ़ाने के लिए कितने स्कूल लगेंगे मालूम? इनको पढ़ाने गया तो तेरी औलादे भीख मांगेगी। तेरी अम्मा ने क्या कह के पैदा किया, बड़ा चिकना है तू। फुट सा। मॉम एक छोटा सा काम याद आ गया है, तुम रेडियो सुनो, मैं बस अभी आता हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अरे मेरी फिक्र कब से होने लगी? उस गब्बर मवाली के लिए। आशीर्वाद की ताली दे माँ। आज तो पक्का हॉस्पिटल को जाएगा। मैं लोगों के बंद जूते देख के उनके मुकद्दर पढ़ लेता मामू। तेरे सितारे गर्दिश में दिख रहे मेरे को, उठ ले। अरे बड़ा ठीक है तू, ह्यूमन राइट्स से या पुलिस का खबरी है? बड़े बड़े इधर को आते और अपनी खुजाते हुए यहाँ से निकल जाते, क्या तोड़ लेते? बड़े बड़े पुलिस वाले को हफ्ता देता मैं, ऐसे दीदे फाड़ के मेरे को कोई नहीं देखता जैसा।
ओए चार मीनार। भाई कौन है ये? यारे मेरी फौज को देख के तेरी हवा तो निकल ही गई होगी। फौज? सिर्फ पांच ही तो लोग हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ा रे? तेरा को पांच बोल रहा है? ख्याली चश्मे उतार के देख। जब खींच के तुझे फटका मारूंगा तो झुंड में से दो सांड लपक के तुझे बचाने आ जाएंगे। जब उन दोनों को मसल के रख दूंगा पीछे दो और पहलवानों को बदला लेने की खुजली जागेगी। फिर जब उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा ना बाकियों की देख के फट जाएगी। इतने तेवर फिर क्या रे खाली गिनती आती है कि कैलकुलेटर लाके दूं? हाँ रुक मैं दिखाता तेरे को। पुलिस को यहाँ पर आए हुए 10 मिनट हो चुके हैं चार मीनार।